नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम एक नए और प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आप मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि किस में अप्लाई करें, कैसे बात वो किस में जाएं, कैसे जाएं, कैसे मतलब कंफ्यूज हो गए, टोटली कंफ्यूजिंग होगी आपको, क्योंकि एक साथ इतने अच्छी अच्छी लोकेशन पे एक साथ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आ गए हैं। सेक्टर 103, 86, अभी अपकमिंग गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड पे रॉयल ग्रीन, और अब 102 के अंदर कॉन्शियंट हैबिटेट का, तो चार प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है इसके अंदर। साथ में सिग्नेचर सुपर भी अभी चल रहा है। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आप कहां सूट हो रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना। ये नहीं कि लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो उसके उसमें मत जाना। आपको क्या चाहिए बेसिकली, वो उसको आप सेलेक्ट करो। मान लीजिए जैसे कि मैं द्वारका एक्सप्रेस की बात करूं, आप एज ए दिल्ली रह रहे हैं, आप द्वारका रह रहे हैं या नजफगढ़ रह रहे हैं, या झज्जर की तरफ से आपका आना जाना है, या पालम विहार की तरफ से आपका ज्यादा एसएस है, साइबर सिटी ज्यादा यूज होती है, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि द्वारका एक्सप्रेस वे आप सेलेक्ट करें। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है जैसी है उसके हिसाब से भी आप सेलेक्ट करें, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे ज्यादा यूज होगा आपकी लोकेशन के हिसाब से। अगर आप वर्किंग है मानेसर साइड या दूसरी साइड NH8 के जैसे टोल की तरफ हो, तो मैं गाइड करूंगा कि आप 86 में जाएं। उसके बाद अगर आप सोना रोड या गोलकोस रोड या इन हुड्डा सेक्टरों के अंदर वर्किंग है या सोना के आसपास हो, तो मैं कहूंगा कि आप एक्सटेंशन रोड सेलेक्ट करें। तो जो लोकेशन आपके लिए बेटर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, उसके अंदर आपको सिलेक्शन करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें भी भर दिया, उसमें भर दिया, उसमें भर दिया, उसमें भर दिया, फिर आप कंफ्यूज रह रहे हैं कि कौन सा लें, कौन सा टावर सेलेक्ट करें। ये टोटली कंफ्यूजिंग है, आप ऐसे चक्रों में मत पड़ो। निकल गया बेटर है, उसको एक्सेप्ट करो। अच्छी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसको डेवलपमेंट होने दो। जल्दबाजी करोगे नहीं ले पाओगे, लॉस खाओगे, आपको ही लॉस होना है। जब तक आप पेशेंस नहीं बनाओगे, प्रॉपर्टियां सारी अच्छी होती हैं, लोगों के बहकावे में आओगे कुछ नहीं ले पाओगे, ना ही आप इन्वेस्टमेंट जो ले रखे वो खो दोगे। तो दोस्तों पेशेंस सबसे जरूरी है प्रॉपर्टी के अंदर। आप उसको डेवलपमेंट तो होने दो, उसको निखर के तो आने दो। पहले ही इतने कंफ्यूजिंग मत हो, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदे भाई, इन्वेस्टमेंट लगा लेते कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट तक उसको पकने तो दो। फसल को भी पकने में 6 महीने लग जाते हैं, तो ये तो एक प्रॉपर्टी होगी। आप सोचने लग जाते हैं कि इतने साल बाद क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। मैं भी कह दूंगा जी आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, आप मान लोगे उसके, नहीं मान सकते। जो चीजें टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होती है, टाइम टू टाइम क्या सिचुएशन होती है, वो आने वाली टाइम ही बताता है। अब ज्यादा लोग कहते हैं कि सर कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिसको हम हैंड टू हैंड और सस्ती भी मिलनी चाहिए और जल्दी पोजेशन वाली भी होनी चाहिए। एक प्रकार से रेट गिरा भी रहे हो, और दूसरी प्रकार से जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आप सोचते हो कि इसका रेट और भी हाई होना चाहिए। तो दोस्तों वो मार्केट पे डिपेंड करते हैं, ना आपके कहने से रेट इंक्रीज होते हैं, ना हमारे कहने से इंक्रीज होते हैं, वो मार्केट के हिसाब से चलेगी। क्या रेट चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जाना। तो हम काफी कुछ डिस्कस में घुस गए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, कॉन्शियंट हैबिटेट 102 के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है एक ही दो दिन के अंदर। ये टोटल 9.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 10 टावर है इसके अंदर, 2 BHK 3 BHK के फ्लैट है, 1350 फ्लैट इसके अंदर आएंगे, 2 BHK के कम है, 3 BHK के ज्यादा है, और ये कनेक्टिविटी आती है 75 मीटर रोड की और सेक्टर रोड की। तो इस वीडियो में आपको मैं एफिडेविट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, आपको लेआउट भी समझाता हूं, और आपको ये लोकेशन कहां सी है डिजिटल तरीके से वो भी मैं आपको मोटी मोटी में बता देता हूं। और अगर आपने एक वीडियो वो नहीं देखी है, तो जो मैंने एक बार पहले बनाई थी प्रॉपर लोकेशन गाइड किया था, तो वो जरूर देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम इसमें लेआउट को समझते हैं कि लेआउट कैसे हैं, किस टाइप से। तो वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का ये व्यू दिखेगा हैबिटेट का, ये मेन एंट्री गेट हो गया, ये टावर हो गया, 3 BHK की टावर आई इधर, और जो एक अलग से टावर है आपको मैं अलग से दिखाऊंगा, ये 2 BHK का टावर आएगा। इधर ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, ये बीच से सेक्टर रोड है, ये दो रोड से सेक्टर रोड, ऐसे टी पॉइंट बनेगा। आगे आप लेआउट में आप समझ पाओगे।
ये कुछ इस तरीके का लेआउट है। ये 75 मीटर वाइड रोड है, फिर आपकी 12 मीटर की सर्विस लाइन है, उससे आपकी एंट्री होगी। ये कमर्शियल है, स्टार्टिंग में आप जो येलो कलर के देख रहे हैं कमर्शियल G+1 के हैं। उसके बाद ये टावर स्टार्ट हो जाते हैं आपके, टावर A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 टावर है। ये 2 BHK का, मे बी ये 2 BHK का टावर होगा, बाकी ये जो जितने भी फ्लैट हैं ये सारे के सारे 3 BHK हैं। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इधर इधर कम्युनिटी सेंटर होगा। ये वो सेक्टर रोड है जो द्वारका एक्सप्रेस और अपर द्वारका एक्सप्रेस को कनेक्ट करेगा, फिर यहां से सेक्टर रोड और निकलेगा। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपके इस साइड आती है टावर 10 की तरफ, और जो भी आपकी जो मेजर कनेक्टिविटी रहेगी वो इस 75 मीटर रोड से रहेगी, जहां पे इधर आपका सन सिटी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हेरिटेज मैक्स का प्रोजेक्ट है जो कि लग्जरी है, इधर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। तो इनके जो बीच में से ही ये रास्ता है, इधर ये सोसाइटी है लग्जरी सोसाइटी है, इधर सन सिटी का 102 का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। तो इनके बीच से ये जो रास्ता है, लैंड बचती है, ये आपकी कॉन्सेंट हैबिटेट की आएगी। तो दोस्तों इसके अंदर जो एक फ्लोर पे जो फ्लैट है वो 8 फ्लैट है, स्टोरी है, ये 14 स्टोरी के टावर है इसके अंदर मेंशन है। ये 20 वाले हैं, ये 20 स्टोरी है आपके, ये 14 स्टोरी है और ये 14 स्टोरी है, ये भी 14 स्टोरी। जो ये फ्रंट के 3 टावर हैं ये 20 स्टोरी है, मतलब 20 मंजिल के ये बने हुए। अब इनमें से कौन सा निकलेगा, कैसे निकलेगा, सारे अच्छे हैं। कुछ फ्लैट इसके अंदर एमक्यू के भी हैं, मैं एमक्यू का लेआउट भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम टावर का साइज की बात करें तो इसमें 2 BHK का सिर्फ एक ही साइज है, और फिर बाकी जितने भी साइज है वो सारे के सारे 3 BHK के हैं। जो 2 BHK का जो साइज है 605 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया, 100 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है। तो इसमें जो एप्लीकेशन जो अमाउंट जाएगा 5% का, वो 1,27,000 जाएगा। टोटल कॉस्ट है इसकी 26,42,000 रूपये। अगर हम इसके फ्लैट की बात करें तो ये जो 2 BHK का, ये टावर के 4 और 5 नंबर यूनिट होंगी, 4 और 5 नंबर यूनिट ये 2 BHK की होगी। ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया, ये आपका लॉबी एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया आप मान सकते हैं, किचन होगी। किचन इसमें अच्छी है क्योंकि प्रेवसी है किचन के अंदर, और इसके साथ भी बैल्कनी है, आप इस बैल्कनी को कवर कर सकते हैं और यहां से आप किचन में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहां भी आप वार्डरोब वगैरह बना के किचन को बड़ा बना सकते हो, ये ऑप्शन है आपके लिए। और ये जो डाइनिंग स्पेस है इसको इसको आप यहां से लगा सकते हैं, या डाइनिंग स्पेस को आप यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर बैल्कनी आपकी थोड़ी ठीक ठाक निकल के आती है तो। उसके बाद कॉमन वॉशरूम हो गया, 2 बेडरूम हो गए, 10x12 और 12x12, काफी स्टैंडर्ड इसमें बेडरूम साइज है। इसके साथ ये मास्टर बेडरूम है, टॉयलेट है और एक बैल्कनी है जो कि बड़ी है, 3 बैल्कनी टोटल, एक ये बैल्कनी है, एक ये बैल्कनी है। तो ये लेआउट है 2 BHK का। उसके बाद 3 BHK का साइज देखते हैं तो 623 कार्पेट है, 100 की बैल्कनी है, 27,18,000 बेसिक कॉस्ट है, 1,30,000 बुकिंग अमाउंट है। इसके अंदर यहां से एंट्री होगी, ये आपका डाइनिंग स्पेस है, ये आपका जो भी आप यूज करना चाहते हैं, जिस हिसाब से भी आप अपने फ्लैट के अंदर सजा के रखना चाहते हैं उस हिसाब से होगा। ये स्टार्टिंग का बेडरूम हो गया, ये बैल्कनी होगी, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। ये यूनिट होगी 2 और 3 नंबर टावर की, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको साइज दिखा देता हूं। टाइप 3 BHK का टाइप 1 है, 645 का, और जो बैल्कनी 100 की है, 28 लाख का ये पड़ेगा। ये यूनिट आएंगी 2, 3, 6 और 7 डिफरेंट टावर के अंदर, तो इसका ये साइज आएगा। उसके बाद आता है टाइप 3 BHK का टाइप 2, इसके अंदर जो 645 100 की बैल्कनी होगी, ये यूनिट होंगी आपकी 1 और 8 नंबर, तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो ये रहेंगी। बगल में द्वारका एक्सप्रेस वे है, जो पेमेंट प्लान है वो आपका जो जाएगा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे आपकी अमाउंट इसके अंदर जाती रहेगी। ये वो एफिडेविट है जिसमें आपने 10 रूपये की स्टैंप ड्यूटी कोर्ट से करवानी पड़ेगी, और उसके बाद ही आपने इसके अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। ना आप ज्यादा कर सकते हैं ना आप कम कर सकते हैं। तो 10 रूपये की स्टैंप ड्यूटी जिसमें टिकट लगती है, 10 रूपये की टिकट भी आप लगा सकते हो अगर नोटरी ना कराना हो। इसमें यहाँ पे आपने नाम आपका एड्रेस वगैरह फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे साइन कर देने हैं आपने, और यहाँ पे जो जहां पे कोर्ट आप बनाते हो जिस भी कोर्ट से जिस भी स्टेट का, वहां पे नाम और जो डेट है वो आपने यहां डाल देनी है। यहां पे आएगा को अप्लीकेंट के, यहां पे साइन आएंगे, ठीक है, यहां पे आएंगे फर्स्ट के और यहां पे को अप्लीकेंट और यहां पे को अप्लीकेंट के। तो ये एक ही एफिडेविट लगेगी अगर आप ज्यादा हो गए तो। मैं एक बार आपको डिजिटल तरीके से और एक बार मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि ये एक्चुअल में कहां से ये साइट पड़ेगी।
दोस्तों ये है द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे के बगल में यहाँ से अभी आप बादली झज्जर के लिए जाते हैं, ननकोट के लिए आप इधर से जाते हैं और यहाँ पे ये जो रोड है ये बना हुआ है, ये है 75 मीटर वाइड रोड जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगा ये द्वारका एक्सप्रेस वे से और यही रोड आगे कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी जो एंट्री होगी आपकी, जो प्रोजेक्ट की एंट्री होगी वो ये वाली होगी, यहाँ बीच से ये होगी और ये है हेरिटेज मैक्स जो कि लग्जरी सोसाइटी है। नेट थोड़ा स्लो है डियर तो इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये सन सिटी का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है तो ये वाली लैंड है प्रॉपर, यहाँ से ये एंट्री है जिस हिसाब से हमने मैप देखा था, इसकी बिल्कुल बाउंड्री लगती है और इधर से ये वाली है और बीच से ऐसे सेक्टर रोड आ रहा है ऐसे जो 24 मीटर रोड है और फिर ये ऐसे जाएगा जो कि बीपीटीपी के यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो ये लोकेशन है, काफी अच्छी लोकेशन है, आप ट्राई कर सकते हो इसके अंदर। ये रीडीसीबी अफोर्डेबल होम्स है, ये मोस्टली रेडी टू मूव होने वाला है और यहाँ पे ये कमर्शियल है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है यहाँ पे जो कि आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये लोकेशन है इसकी और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप अपना इंटरेस्टेड है जो शो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, तो वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो है सेक्टर 90 MRG का अपकमिंग अफोर्डेबल अल्टीमस एक्सटेंशन 2, तो उसकी वीडियो हम बनाएंगे। उसके अंदर कमर्शियल का बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और उसके अंदर भी 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट होंगे। अब आप कंफ्यूजिंग हो जाओगे कि कहां पे जाएं, क्या सिलेक्शन करें, क्योंकि अब एक और पाइपलाइन है अफोर्डेबल आने वाली, तो इसमें जाएं एमआरजी में जाएं। एमआरजी की ये खासियत है कि आपको कंस्ट्रक्शन टाइम पे देगा, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, सिर्फ हम वो वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि एमआरजी भी क्यों सिलेक्शन करना चाहिए, तो वो हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।